तो वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं रेंज के बारे में। जी हाँ, रेंज हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया शीट्स और वर्कशीट, शीट्स और वर्कबुक के बारे में, और हमने बताया था कि बेसिकली हमारे पास चार मेन ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम वीवी का कोई भी कोड शुरू करते हैं। पहला आता है आपका एप्लीकेशन, दूसरा आता है हमारे पास शीट्स, तीसरा आता है हमारे पास रेंज, और नहीं तीसरा नहीं वर्कबुक है, दूसरा उल्टा कर दिया मैंने। ओके, तो हम शीट्स और वर्कबुक को पढ़ चुके हैं, बारी आती है रेंज को। अब रेंज मान लीजिए मुझे A1 पे कर्सर रखना है तो कैसे रखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे रेंज A1 जो डॉट सेलेक्ट। डॉट हालांकि हम सेल्स के थ्रू भी जा सकते हैं कि सेल्स 1,1, इसको R1C1 रेफरेंस स्टाइल कहते हैं, कि जब आपके पास A1C1 ना हो और रो नंबर काउंट में हो तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ओके लेकिन अब जब मैंने इसको रन किया तो जो एक्टिव शीट होगा, जैसे शीट 4 है ना सर, एक्टिव फाइल के एक्टिव शीट पे जाके ये डाल देगा। लेकिन मान लीजिए मुझे शीट 1 के अंदर B2 पे कर्सर रखना है, तो मुझे यहां लिखना होगा शीट्स, शीट्स के वन अंदर में शीट 1, या शीट की जो भी कॉलिंग मेथड मैंने बताई थी कि या शीट का प्रॉपर्टी नेम ले लीजिए, कैप्शन सीक्वेंस जो आपकी सुटेबल लगे। और फिर मैंने यहां पे सेलेक्ट किया, हम पहले उस शीट पे आएंगे, देन हम लिखेंगे रेंज B2 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, तो ओके एक्टिव फाइल जो फाइल सामने खुली है उस फाइल के शीट 1 पे जाएगा, चाहे कहीं भी रहे वो पहले शीट 1 पे आएगा और फिर यहाँ B2 पे कर्सर रख देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बुक 2 जो है, बुक 1 के अंदर जाए, बुक 1 के शीट 1 पे आए, तो यहां आप क्या करेंगे, लिखेंगे वर्क बुक्स और यहां पे करेंगे बुक 2 डॉट XLSM जो भी एक्सटेंशन है डॉट एक्टिवेट, समझे। क्लियर है सर? क्लियर क्लियर क्लियर। है। हाँ क्लियर है। तो बुक 2 के शीट 1 पे आ जाएगा, कर्सर रख देगा। तो रेंज को कॉल करने के लिए आपके पास रेंज हो जाता है, सेल्स हो जाता है, उसके बाद आता है एक्टिव सेल भी हम करते हैं। एक्टिव सेल मतलब जहां पे मेरा कर्सर है उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। और एक आता है सिलेक्शन, सिलेक्शन कि मैंने अगर एक एरिया सेलेक्ट रखा, मैंने एक एरिया सेलेक्ट कर दिया, दैट कॉल सिलेक्शन। अगर मैंने एक्टिव सेल किया सिर्फ D1 को ही कंसिडर करेगा और सिलेक्शन किया तो आपको D1 से लेके F3 को रिकनाइज करेगा। ठीक है सर? तो ये हमारी ये होती है रेंज को कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में। अब हम बात करते हैं किसी रेंज को हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, नॉर्मल सिलेक्शन, और उसके बाद हम बात करेंगे किसी रेंज पे हम टाइप कैसे करते हैं। ठीक है सर? अब मान लीजिए मुझे इस एरिया को सिलेक्ट करना A1 से लेके E10 को, तो यहां लिखेंगे कि रेंज A1 से E10 डॉट सिलेक्शन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जो करना चाहते कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसका एक और तरीका भी है, ये आ गया आपका एक्सेल मेथड। वीवीए का मेथड कहता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग, मतलब A1, A10, सॉरी E10 है ना, हमारा E10 डॉट सिलेक्ट। तो A1 हो गया स्टार्टिंग, E10 हो गया एंडिंग। जब हम डायनेमिक सिलेक्शन करते हैं तो वहां पे इसका इस्तेमाल हम करते हैं। क्लियर है सर? ये उसके कौन सा बाद सिचुएशन में अभी यूज कर सकते हैं, मैं जैसे बता रहा इन हूं, सेकेंड मैं वाले। आपको बताऊंगा, 2 मिनट चाहिए। ओके हाँ उसके बाद मुझे मान लीजिए Ctrl A करना है, यहां पे Ctrl A मतलब कि ऑल सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑल। तो यहां लिखेंगे रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा, इस पे जाएगा, Ctrl A प्रेस कर देगा जिससे आपका पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाए। ठीक है सर? राइट, वो फर्स्ट A1 में जाके हाँ जितने भी डेटा हुआ हाँ वैसे
अब बात करते हैं कर्सर को मूव करने की, मैं कर्सर को मूव कैसे करूं। तो कर्सर को मूव करने का कोड होता है कि आपने दिया कि रेंज A1 डॉट एंड एंड, और हमने बोल दिया कि डाउन, और हमने कर दिया डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या होगा, ये यहां पे जाएगा कंट्रोल के साथ डाउन एरो। जी हाँ, कंट्रोल की के साथ आपका डाउन एरो यूज करेगा और सबसे नीचे आ जाएगा। आ गया सर? ऐसे आप यहां पे लेफ्ट राइट अप जो करना चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर? ओके। अब मैं चाहता हूं सिलेक्शन बनाना कि यहां से कंट्रोल शिफ्ट के साथ जाए पहले लेफ्ट में फिर जाए राइट, समझे? तो उस केस में हम इसका मेथड, इस मेथड को यूज करेंगे। हम यहां लिखेंगे रेंज, स्टार्टिंग हमारा होगा A1 और एंडिंग में लिखेंगे यहां पे कि रेंज A1 से डॉट एंड एक्सल टू लेफ्ट डॉट सेलेक्ट। तो यहां पे एक और ब्रैकेट क्लोज करता है, तो ए हो गया स्टार्टिंग, स्टार्टिंग हमें A1 है और एंडिंग हमें पता नहीं, तो वो इस कोड से ले लेगा एंडिंग। अब मान लीजिए हम डायनामिक रेंज नहीं यूज कर सकते हैं ना, ये कोड हो गया डायनामिक स्टार्टिंग और एंडिंग। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ इसी लाइन को रन करके चेक करना है, इस बाकी सब को रन नहीं करना, चेक करने के लिए तो आप डिबग पे जाए, डिबग पे दिखेगा स्टेप इन्फो, और इसमें एक मिनट कंपाइल एरर, ये हटाना पड़ेगा, ये सब नहीं रिकॉग्नाइज करता है। अब मैं यहाँ पे डिबग किया तो अभी जो ये जो एरर एरर दिख रहा है ना, जब आप रिवर्क रन करेंगे तो इस तरह का एरो की आएगा, इस एरो को उठाइए और जिस लाइन पे ले जाना चाहते हैं उस लाइन पे ले जाइए। अच्छा, इस पे रन करना है आ गया, और इस पे रन करना है आ गया सर। अब इसके बाद एक बार कीबोर्ड का एफर्ट या स्टेप इनको करो, अगर आपने इस डायरेक्ट यहां से प्ले कर दिया ना तो इसके नीचे का रन हो जाएगा। देखिए मुझे सिर्फ इसी को रन करना है, इसके नीचे को रन नहीं करना है, तो अगेन कर दीजिए स्टेप इनको, मतलब कि एफेक्ट। ठीक है, देखिए सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा डेटा क्योंकि मैंने एक्सेल टू लेफ्ट गलत लिखा, टू लेफ्ट का मतलब होता है यहां से यहां आना। ठीक है सर? हाँ, तो यहां पे करा लेंगे एक्सेल टू राइट, राइट एक्सेल टू राइट, और कोड को वापस यहां लेके जाते हैं और फिर यहां से हम एफेक्ट करते हैं। आ गया सिलेक्शन? मैं दोबारा करके दिखाता हूं, हो गया। अब मुझे इसी को लेके नीचे लाना, इसी को नीचे लाना, तो अब यहां पे मैं करेंगे रेंज ऑल्सो, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा सिलेक्शन, मतलब जो सिलेक्टेड किया हुआ ओ, फिर हमने बोला कि सिलेक्शन से एंड एक्सल डी ओ डब्ल्यू एंड डाउन डॉट सेट। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको एफर्ट करता हूं, सेलेक्ट हो गया सर। तो यहां पे हमने आपके पास तो कर्सर दिया, अब हम बात करते हैं जैसे डाउन वाला, हम बात कर रहे हैं कि जो डाउन का यूज करते हैं तो ऊपर से नीचे आ जाता है, लेकिन कब, जब इसके नीचे कोई ब्लैंक न हो। अगर इसके अंदर ब्लैंक है तब मुझे यहाँ आना हो तो दिक्कत होगा, क्योंकि कर्सर यहाँ आके रुक जाएगा फिर यहाँ आएगा, तो कई बार बहुत ज्यादा ब्लैंक हो तो प्रॉब्लम। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम एक मेथड अपनाते, हम लिखते हैं कि रेंज ए 65,000 या 10,00,000, एक बड़ा सा रो अमाउंट दे देते हैं और कहते हैं एंड एक्सेलेस अप डॉट सेलेक्ट।
मतलब ए यहां जाएगा ए 65,000 पे एंटरप्राइज करेगा, यहां से कंट्रोल अप एरो यूज करेगा, जिससे क्या होगा सबसे लास्ट में आए। अब इसके ऊपर लास्ट वैल्यू में आएगा। हाँ, इसके ऊपर जितना ये ब्लाइंड को उसे क्या लेना देना है, ठीक है। अब सेम कॉलम क्या करना है, तो कॉलम लास्ट होता है एफ एक्स डी, तो हम यहां लिखेंगे रेंज एक्स एफ डी वन डॉट एन, इसको क्या करेंगे सर, एक्स टू लेफ्ट, ठीक है ना, यहाँ टू राइट यहां किया था राइट, तो टू लेफ्ट करेंगे, लास्ट वैल्यू अंदर वो आ जाएगा फिर। तो ये क्या करेगा, यहां से कंट्रोल के साथ लेफ्ट यूज करेगा और या अब इसका यूज करके आप डेटा सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां ले लिया कि आर इक्वल टू रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट रो, फिर हमने लिखा सी इक्वल टू रेंज एक्स एफ डी वन डॉट एंड एक्सलेस टू राइट डॉट कॉल। तो हमें हमारे स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है ए वन, एंडिंग पॉइंट का कॉलम नंबर और रो नंबर पता चल गया, चल गया ना। तो हमने यह बताया था कि हमारे पास सेल होता है, इसमें हम कॉलम नंबर रो नंबर को यूज कर सकते हैं। यहां लिखेंगे रेंज ए वन कॉमा सेल्स, लेफ्ट नहीं आ रहा है, हाँ लेफ्ट आएगा, माफ कीजिए, ये राइट गलती है। तो क्या आंसर, लेफ्ट राइट में दिक्कत होती रहती है। नहीं, वो अभी हम लोग सामने सुन रहे हैं तो हम लोगों को तो दिख जाएगा, बट आप कर रहे हो ना तो कोड तो इसलिए तो हम नहीं कर रहे। तो हमने बोला कि स्टार्टिंग पोजीशन हमारा क्या है ए वन, और एंडिंग पोजीशन क्या है हमारा, वो हम लोग फाइंड करेंगे विद आर एन सी। जी हाँ, तो ये डायनेमिक सिलेक्शन के डेटा आपको कितना भी गंदा हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, हम इसका इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। अच्छा, ओके, क्लियर है, क्लियर क्लियर। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास डेटा फिक्स नहीं होता है कि ए वन से ही स्टार्ट, समझ रहे हैं सर, तब क्या करें, कभी हो सकता है ए फाइव से डेटा हो, क्या कभी हो सकता है कि वो सी फाइव से हो, कभी हो सकता है डी फाइव से, तब क्या करें। तो हमें एक्सेल पूरे शीट में बेसिकली ये फाइंड करना है कि डेटा कहाँ पे, एंड देन कैसे पता चलेगा सर, तो सपोज अभी हमें फर्स्ट ए से हम लोग वी कैन स्टार्ट रीडिंग बेसिकली डाउन, एक तो फर्स्ट ये मिलेगा ए में कहां पे डेटा है, एंड ऑफ हम ए वन पे कर्सर रखेंगे, ठीक है ना। कर्सर रखने के बाद देखिए, अभी एक इसके लिए एक रिकॉर्डिंग माइक को यूज कर रहा है, इसका कोड मैं भूल रहा हूँ, मैं यहाँ से रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ रिकॉर्ड एक एक्सेल का फीचर है कि हम ए वन पे कर्सर रखते हैं और कंट्रोल के साथ हम एंड की दबाते हैं तो डेटा आगे सबसे लास्ट में चला, ठीक है, कहाँ चला जाता है डेटा आगे सबसे लास्ट, और फिर मैं यहाँ से कंट्रोल अप और लेफ्ट कर लेंगे डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ना राइट। यहाँ पे देखिए कि हमने एक्टिव से यहाँ पे एक्टिव सेल स्पेशल एक्सेल लास्ट से डॉट सिलेक्ट, और फिर हम यहाँ पे रेंज सिलेक्शन एक्सेल यहाँ पे सिलेक्शन डॉट एक्सेल अप एंड टू लेफ्ट, क्लियर है, सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। इससे एक और फायदा होगा कि अगर कोई हेडिंग लिखा हुआ है कि द आईपीटी एक्सेल स्कूल लिखा हुआ है
तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे ना, हमसे वहां डेटा डेटा आएगा ना, क्या सर? बसरते जहां लास्ट सेल के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कुछ हो गया तो सेलेक्ट कर लेगा, तो कंटिन्यूस होगा, हाँ कंटिन्यूस होगा तो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, क्लियर है सर? तो अब बात करते हैं कि मुझे अपने सबसे लास्ट सेल में आना है। कहाँ आना है? सबसे लास्ट सेल। तो आ जाएंगे, बट लास्ट सेल की अगली समय मुझे डाल लीजिए कि इसमें नया एक डेटा डालना है। मुझे क्या करना है? नया एक डेटा डालना है, तो मैं इसको ओवरराइट नहीं करूंगा ना, इसके नीचे डालूंगा ना सर। करेक्ट। तो उसके लिए हमारा यूज होगा ऑफसेट का। तो हम यहाँ पे रेंज ए 65,000 डॉट एन एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफसेट, यहाँ क्या डालेंगे? ऑफसेट वन रो एंड जीरो कॉलम डॉट सेलेक्ट वैल्यू, जो डालना चाहते हो कर सकते हो। तो ये नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद ऑफसेट वर्क करेगा। एक्सेल ऑफ तक तो ऊपर आ गया, फिर यहां पे ऑफसेट क्या करेगा? रो एंड कॉलम इसमें अंदर डालते हैं, तो एक रो है जीरो कॉलम, मतलब सेम कॉलम के अगली रो। अगर मैं जीरो के जगह पे फाइव टू दो कर दूं तो फिर दो कॉलम आगे बढ़ेगा। प्लस में है तो हमेशा आगे की तरफ, नीचे की तरफ होगा, अगर माइनस में है तो पीछे और ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ऑफसेट वी कैन गिव, सो ऑफसेट माइनस वन और माइनस टू बोल सकते हैं, तो ऊपर जाएगा। इसी ऑफसेट का फायदा उठाया है मैंने, एक अभी थोड़ा देर पहले 9 बजे की क्लास है उसकी, एक ऑटोमेशन में क्या है देखिए, ये अटेंडेंस शीट बना रहा है, दिख रहा है अटेंडेंस शीट, इसको रन करने से अटेंडेंस शीट ऑटोमेटिक बन जाती है, दिख रहा है? तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये था कि किस महीने में कितने नंबर ऑफ डेज हैं, कैसे बता, किस कैसे हो पाएगा, उतना ही कॉलम में अपना मुझे डेट क्रिएट करना, उससे ज्यादा ना उससे कम, दिख रहा है? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया जो हमने सेकेंड प्रोजेक्ट में लगाया था ईओ मंथ का, जिससे नंबर ऑफ डेज निकल गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि मैंने E6 पे गया, E6 पे जाके हमने D6 पे गया, D6 पे डेट लिखा, D6 पे हमने डेट लिख दिया है मैनुअल, और E6 में हमने क्या किया कि भाई D6 प्लस 1, दिख रहा है? हाँ, करेक्ट। और फिर मैंने बोला कि रेंज E6 से E6 ऑफसेट D-2, मतलब जितना नंबर ऑफ डेज है उसमें से दो घटा के उस उतना डेटा को फिल डाउन कर दो, मतलब कि सिलेक्ट करके फिल डाउन कर, फिल राइट कर दे, सॉरी फिल राइट, समझे? मतलब फिर राइट की तरफ और लेफ्ट ये कर दिया, ड्रैग कर दिया, बस उतना ही। D-2 इसलिए किया कि दो तो ऑलरेडी लिख दिए ना हमने, हमें 30 कॉलम चाहिए, तो दो कॉलम तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ना, करेक्ट। तो हमें 28 और लिखने हैं, तो यहां से 28 कॉलम लेके गया और हमने फिर राइट कर दिया। इससे क्या हुआ कि जी अब यहां पे महीना में जो भी चेंज करूंगा उस महीने के हिसाब से कॉलम बढ़ते और घटते रहे। तो ऑफसेट बड़ी कमाल की चीज है, आगे चल के और भी ऑफसेट के ऊपर हम आपके एग्जांपल देंगे, ठीक है? तो एक कोड आपको भेज रहा हूं, इस कोड को कीजिए प्रैक्टिस, कल हम बात करेंगे आपके साथ डेटा को हम कैसे